नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की चरमरा गई है। बाबू नीतीश क्या कहते हैं मैं आपको बताता हूं। नीतीश कुमार के शासन काल में ये देखिए हॉस्पिटलों की हालत है। स्वास्थ्य व्यवस्था एक तरफ कह रही है, नीतीश कुमार डंका पीट रही है कि बहुत अच्छा है बिहार में। आइए बताते हैं नीतीश कुमार का ये स्वास्थ्य व्यवस्था। देखिए स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र है नटवापारा का, यहाँ देखिए गेटवा जो है खड़ा खत्म हो गया है और ये पूरा घास वास पूरा उपजा हुआ है। इसमें ना कोई डॉक्टर आता होगा और ना ही कोई मेडिकल की टीम आती होगी। लगता है पोलियो ड्रॉप वाले भी आते होंगे तो शायद कहीं चौक चौराहे में बैठ के पोलियो ड्रॉप पिला दिया होगा शायद, मैं ये बात बताता हूँ। मगर यहाँ की जो हालत है, ये नीतीश जी लगातार डंका पीट रहे हैं सदन में बैठ के कि सबसे ज्यादा अगर विकास हुआ है तो स्वास्थ्य विभाग में हुआ है। ये है स्वास्थ्य विभाग का असली चेहरा। और आप देख सकते हैं ये तालाबंदी है, देखिए ये ताला लगा के रखा है, लगता है नीतीश बाबू अपने घर से लाए होंगे ताला। ये है यहाँ की जो जनता है, ये यहाँ पे खड़े हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर बिहार में जब कोरोना काल चल रहा था तो ये सच्ची आवाज उठाने वाला पप्पू यादव के ऊपर कई बड़े आरोप लगाए गए, जेल के पीछे धकेल दिया गया। पप्पू यादव ने उठाया था आवाज कि एम्बुलेंस की कमी है, क्यों सच बोलने वाले को सलाखों के पीछे और जो चोरी करे वो बाहर सीना चांद के घूमे। तो क्या है भैया बिहार में, ये है नीतीश बाबू का कारनामा। चलिए कुछ लोग हैं, कैसा है स्वास्थ्य केंद्र का हाल और यहाँ की जो व्यवस्था है, क्या डॉक्टर आते हैं कभी? हमको लगता है डॉक्टर आता होगा बैठता हुआ इसी में। यहाँ के स्थानीय लोगों से जानकारी मिली, मैं भी यहीं का स्थानीय हूँ, यहाँ पर ताला में जंग लग गया है तो डॉक्टर इसका सबूत है कि डॉक्टर नहीं आते होंगे। और यहाँ पर 26 जनवरी और 15 अगस्त में सिर्फ झंडा फहराने आते हैं। और यहाँ के इलाके के लोगों, औरतों को पूछा गया कि डॉक्टर अभी बैठते हैं तो किसी को दवाई के नाम पर एक गोली भी नहीं दिया गया। और जहाँ पर न्याय के साथ विकास की बात करती है सरकार, असल में वो सरकार बीमार है, उनका स्वास्थ्य केंद्र ही बता रहा है कि सरकार बीमार है। और ऐसा लगता है कि बिहार जंगल राज में तब्दील हो गया है। आप देखिए स्वास्थ्य केंद्र के अंदर घास सांप वगैरह सब मिलता है, मिलेगा इसमें, पूरा एकदम चरमराया हुआ है और यहाँ के लोगों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। वासी साहब पता है विधायक आप ही के क्षेत्र के हैं, विधायक जो यहाँ के पांच को विधायक जीते हैं AIM से, पतंग छाप के पांच को विधायक है, बिल्कुल क्या वो लोग कहाँ है, वो लोग सोए हुए हैं क्या? बिल्कुल, मैं तो यहाँ के युवाओं से कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने विधायक को अवगत कराइए समस्याओं से। विधायक जी ख्वाब में नहीं सुन रहे हैं कि आपका मतलब विधायक जी को जब वोट दिखता है तो तब तब दिखता है जी, हमको स्वास्थ्य सुधार कर देंगे, थाना सुधार देंगे, ये सुधार देंगे, अभी कहा नहीं दिख रहा है। नहीं, यहाँ पर जो विपक्ष है वो सोया हुआ है। विपक्ष का ये तो मुद्दा था, विपक्ष उठाना था, लेकिन मैं उसी पार्टी का हूँ, मैं मुद्दा उठा रहा हूँ कि यहाँ पर मेरा इलाका में ये समस्या है। मैं विधायक जी से भी इस मामले में बात किया हूँ, परसों DM से भी मिलेंगे जाकर के, और माननीय विधायक जी कहा है कि इस मामले जल्दी से जल्दी DM का संज्ञान में दे दिया गया है और हम लोग जाकर के DM से मिलने वाले हैं और विधायक जी भी इस मामले को लेकर के असेंबली तक मामले को उठाएंगे। लेकिन इस मामले को उठा रहा कौन? यहाँ के युवाओं से कहना चाहता हूँ कि भाई आप नेतागिरी करते हैं लेकिन अपने इलाके की समस्या को उठाइए। यहाँ पर मुखिया मेंबर से सवाल पूछिए, जब तक आप सवाल नहीं पूछेगा तब तक आपका मामला हल नहीं होगा। क्या वासी साहब आए आपको आँख खुल गई, क्यों ऐसा क्या पड़ गया कि इतना दिन तो पहले से भी था, काफी दिन पुराना है ये हॉस्पिटल, आप पहले क्या कभी नजर नहीं आया? आज आपको दिख गया? नहीं नहीं, हम नहीं, आप भी तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना, भी राजनीति कर रहे हैं। असल में मैं यहाँ से किशनगंज रहता हूँ, मैं सोचा कि यहाँ पर होगा, मैं पिछले दिनों जब यहाँ आया। असल में आप किशनगंज रहते हैं, आप अचानक से आके देखते हैं क्या कुछ नहीं? मैं पिछले दिनों जब यहाँ पर आया तो देखा कि भाई मामला तो गंभीर है। आपका गृह पंचायत में है? मैं यहाँ गृह पंचायत के बारे में पता नहीं, मेरे दोस्त लोग से बात किया कि मामला क्या है, तो इन लोगों ने बताया कि मामला बड़ा संगीन है, यहाँ पर डॉक्टर कभी बैठते नहीं है, डॉक्टर आते ही नहीं पर। तो मैंने कहा कि हम लोग इकट्ठा होइए और मामले को उठाइए, जो भी इश्यूज होगा पंचायत का हम लोग उठाएंगे और इस मामले को हल कराएंगे। क्यों आखिर विधायक जी का बनने का पता एक साल होने जा रहा है, इस एक साल में सुनिए मेरा सवाल सुन लीजिए पहले। वासी साहब आपके जब यहाँ पे विधायक लोग आए थे, जब चुनाव के दरमियान में अवैसी साहब आए थे, कहते बड़ा सा मेडिकल कॉलेज खुल जाएगा, नजर नहीं आ रहा है। सुनिए मेरी सवाल तो सुन लीजिए फिर बोलिएगा आप, मेडिकल कॉलेज खुल जाएगा, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक कर देंगे, ब्लॉक को ठीक कर देंगे, सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी, फिर ठीक तो अब तक नहीं हुआ। बिल्कुल, हम लोगों ने काम शुरू किया है इस मामले को लेकर के, जहाँ पर 16 साल जो विधायक रहे वो कुछ नहीं कर सके, तो हम लोग एक साल मिला है, 4 साल का मौका और है, इंशाल्लाह इस सुधारने के लिए तो आ गया है। ये तो विपक्ष का मुद्दा था, विपक्ष यहाँ पर सोया हुआ है, विपक्ष का कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष चुनाव अरे भैया विपक्ष हो गया है, हम लोग उसी विधायक के पार्टी सुन लीजिए, विपक्ष जो कान में रोई ठोस लिया है उसको ना मतलब है। तो भाई हम तो आ गए इस मामले को लेकर के ना, हम तो मिलने जा रहे हैं DM साहब से, मिलने जा रहे हैं, विधायक से बात हुई है, यहाँ पर जो सरकार है न्याय के साथ विकास करने की बात जो कर रहे हैं वो दरअसल बीमार है, उसकी बीमार लापरवाही की वजह से ऐसा हाल है बिहार में। आप देख सकते हैं यही स्वास्थ्य केंद्र नमूना बना के दिखाइए। अरे भैया नीतीश जी कह रहे हैं हमने सबसे ज्यादा विकास किया, आप कह रहे हैं लापरवाही है। मैं क्या इस जंगल उगा दिया खेत में, ये तो सामने में आपका कि कितना इसका मतलब है कि नीतीश जी से आपको व्यक्तिगत दुश्मनी हो गया? कहां व्यक्तिगत दुश्मनी, वो तो कह रहा बहुत कुछ दे दिया, एम्बुलेंस दे दिया रोड में, एम्बुलेंस दे दिया, आप तो खुद दिखाइए ना, कैमरा को इधर दिखाइए, ये
विकास की यही तो गवाही है कि क्या विकास हुआ है, विकास होता है, ये विकास होता है क्या? वासी साहब लगता है आपको बहुत ज्यादा है, एम वालों ने पैसा खिला दिया है। अरे भाई मैं एमआईएम से ही बिलोंग करता, पैसा क्यों खिलाएगा एमआईएम? नहीं ओवैसी साहब तो बड़का सपना दिखा दिया था कि हम यहाँ पे मेडिकल कॉलेज देंगे। देंगे कम आपके पास बाइट है सब मेडिकल कॉलेज का? अरे भैया न्यूज चेक कर, अरे खबर समाचार में वो वीडियो है। अच्छा ठीक है उस वीडियो को हम दिखा देंगे, आप वीडियो दिखाइए जो वादा किया गया है इंशाल्लाह हम लोग पूरा करेंगे। रेलवे लाइन बन जाएगा यहाँ पे, रेलवे लाइन के लवर मोले रेलवे लाइन बन जाएगा। साल का मौका मिला है, जनता ने 5 साल दिया है और 5 साल में हम लोग इंशाल्लाह काम करेंगे। दूसरी बात, रेलवे लाइन बहादुरगंज में नहीं, जलालगढ़ से जो रेलवे लाइन किशनगंज टच करेगी उसमें हम लोग जो वादा किया गया उसमें हम लोग कायम। अल्ताहट बन जाएगा रेलवे लाइन? अल्ताहट में कब बोला था? अरे भैया अल्ताहट में जो स्पीच दे रहे थे मैं खुद खड़ा था रिपोर्टर यार वहाँ पे। सुनिए कोचा धामन में एक रेलवे लाइन की बात हुई है, ठीक है, और जलालगढ़ से किशनगंज जो रेलवे लाइन जाएगी कोचा धामन टच करती है। अब तस्लीमुद्दीन साहब ने उसको पास किया है, तस्लीमुद्दीन का पास किया हुआ है, तुम लोग काम है उस पर, हम लोग कहाँ उलट गए हैं कि नहीं करेंगे? बिल्कुल 4 साल का समय है, हम लोग काम करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये सरकार बैरी है, ये सरकार किसी की सुनती नहीं है, ठीक है। जहाँ पर उनका विधायक, आप ही के विधायक अख्तर उलमान साहब तारीफ करते हैं ना कि नीतीश जी तो बहुत कुछ ठीक ठाक तारीफ किया है। अरे भैया पटना से तारीफ करते हैं? नहीं नहीं सुनिए उलमान जी कहते हैं बहुत कुछ हो रहा है। नीतीश कुमार जो काम अच्छे किए हैं उनका हम लोग तारीफ भी करते हैं, जो काम खराब करेंगे उनका विरोध भी करेंगे। नीतीश कुमार इतना अच्छा विकास करते हैं तो स्वास्थ्य केंद्र का हालात ये नहीं रहता। कोरोना काल में आप देख लिए कि लोगों का हालात क्या था, इनके पास ऑक्सीजन। सर आपके, अच्छा चलिए यही सवाल मैं आपसे ले लेता हूँ, आपने वेंटिलेटर दिया था किशनगंज में, बिल्कुल, तो वेंटिलेटर क्यों नहीं यूज हुआ सर? ये तो मेरे खुद पेशेंट थे। मैंने की सरकार की लापरवाही है, हम लोगों ने सरकार की लापरवाही आप कह रहे कि टेक्नीशियन नहीं है सरकार के पास। मैंने बात किया था सिविल सर्जन से, कह रहा टेक्नीशियन नहीं है, तो आपने जो दिया था तो क्या करके दिया? टेक्नीशियन हम बहाल करेंगे, बहाल करना सरकार की काम है। खाली लाके दिखा दिया फोटो, हम लोग दिया है, आप जाके देख लीजिए सिविल सर्जन से हम लोग दिया। भैया आपने पहुंचाया, आपने दिया, चलाना वो प्रशासन और यहाँ के जो मतलब आप लोग नहीं होना चाहिए। नहीं कोई रोल नहीं है विधायक, कोई रोल? अरे मेरे भाई मैं बोल रहा हूँ कि सरकार को टैक्स हम देते हैं ना भैया, राजनीतिक को टैक्स देते हैं क्या? अरे भैया राजनीतिक देखिए बिहार में कैसे राजनीतिक कर रहे हैं। आप सरकार को टैक्स देते हैं ना, सरकार से सवाल होनी चाहिए, सरकार टेक्नीशियन क्यों नहीं बहाल किया सरकार से? आप हम तो मदद किए सरकार को, अरे हमने तो चंदा दिया सरकार को, सरकार क्यों नहीं चला पाया? इससे सवाल कीजिएगा ना, हमसे सवाल कीजिए। सत्ता के दलाल जो हैं, सत्ता के जो चमचा है उनसे सवाल कीजिए कि आपका सरकार क्यों नहीं बहाल कर पाया। अब मुझसे सवाल कैसे कर रहे हैं बात? मैं तो मामला को वासी साहब, आप उस पार्टी के नेता हैं इसलिए पूछ रहा हूं। नहीं मैं तो उठा रहा हूं मामले को भाई, या तो उठाना चाहिए जो 16 साल से तो वो उठा नहीं पाए। हम तो उठा रहे हैं, हम तो अपने फर्ज को अदा कर रहे हैं, हम तो भाई एक नागरिक। मतलब सीधा सीधा नीतीश कुमार की लापरवाही है? बिल्कुल लापरवाही है, लापरवाही नहीं तो दिया हाल होता क्या? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये तो वासी साहब जो एआईएम के विभाग नेता है इनका कहना है। हॉस्पिटल बस्ती में है तो परेशानी है? परेशानी है क्या? परेशानी है बताइए? परेशानी एक बीमार आ जा रहा है तो पैसे या कोई गोली दवाई कोई इंतजाम नहीं है। हॉस्पिटल तो बहादुरगंज में दिया है क्या? तो इसको क्या करोगे इसको यहाँ पर? क्या इस स्वास्थ्य केंद्र में कभी डॉक्टर नहीं आता क्या? नहीं आया, हम लोग तो कह नहीं सकते 10 साल से। 10 साल से कभी नहीं आया? कभी नहीं। अच्छा यहाँ जो अभी ये लोग आता है पोलियो ड्रॉप वाले सब, वो लोग कहाँ बैठते हैं? उसका कोई ठिकाना नहीं है, में बैठते हैं लोग, यहाँ पे नहीं बैठते हैं। क्या समस्या बताइए? समस्या है कि डॉक्टर यहाँ पे बैठते नहीं है। बाकी आप तो दिखा ही चुके हैं क्या क्या है नहीं है। कब बना है? कितना साल से पहले हुआ हॉस्पिटल? कितने दिन पहले बना है ये? तो लगभग 10 साल करीब हो गया है लगभग। मगर यहाँ डॉक्टर नहीं है? डॉक्टर नहीं आते हैं। अच्छा किन की लापरवाही है यहाँ पे? प्रशासन की है, ठीक है, जनप्रतिनिधि की है, इन लोगों की लापरवाही है। कहना है कि नीतीश बाबू का पूरी लापरवाही का जो चेहरा है ये दिख रहा है। और भले ही नीतीश बाबू जी आए दिन पॉलिश करके चमकता हुआ चेहरा लेकर सामने आते होंगे, मीडिया कॉन्फ्रेंस के जरिए से करीब बड़ी बातों का उजागर करते हैं, मगर सच तो यही है कि यहाँ विधायक चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, विकास के नाम पर वोट मांगा जाता है, एजुकेशन के नाम पर वोट मांगा जाता है, नतीजा क्या मिलता है? ये है तस्वीर। बने रही है लाइव 24 न्यूज़ पर। किशनगंज से संवाददाता मिन्हाज आलम।